सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम संतोष और ये है महिंद्रा थार का बेस मॉडल यानी AX 4 सीटर पेट्रोल में। इसकी डीजल में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग चाहे तो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बाकी फ्रेंड से कुछ ऐसा लुक आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। सो अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें। इससे होगा कि जब भी मैं इन फ्यूचर वीडियोस अपलोड करूंगा तो आप तक इजीली पहुंच जाएगी। बाकी कुछ ऐसा लुक आपको देखने के लिए मिलने वाला है महिंद्रा थार बेस मॉडल का। इसमें अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं आते हैं, इसमें आपको स्टील व्हील मिलेंगे प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए। और कुछ ऐसा फ्रंट से लुक देखने के लिए मिलेगा। इसमें अगर कलर्स की बात करूँ तो 6 कलर ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, और पेट्रोल में ये 4 वेरियंट्स में आती है अवेलेबल है, और डीजल में आपको 6 वेरियंट्स में अवेलेबल हो जाएगी महिंद्रा थार। और इसमें मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन आपको मिल जाते हैं विथ 6 स्पीड MT एंड AT। और पेट्रोल एंड डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के इसमें आपको मिल जाते हैं। और इसकी जो भी की आपको देखने के लिए मिलने वाली है वो कुछ ऐसी मिलेगी। इसमें एक आपको स्मार्ट की मिलती है, दूसरी आपको नॉर्मल फ्लिप की मिलेगी। इसमें सेंटर लॉकिंग वगैरह सारे फंक्शन यहाँ मिल जाएंगे। कुछ ऐसी इसकी की देखने के लिए मिलती है। और बाकी फ्रंट से कार कुछ ऐसी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और फ्रंट में अब अगर बात करें लाइट्स की तो ऊपर आपको DRLs मिल जाते हैं और नीचे आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिलेंगे। और कुछ ऐसी आपको हेलोजन में हेडलैम्प्स देखने के लिए मिलेगी। ये बेस टू टॉप हेडलैम्प्स हेलोजन में आती है और यहाँ पर थार की बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प का प्रोविजन मिलता है, आप चाहें तो एक्सेसरीज या फिर आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। साइड से कुछ ऐसा एक लुक देखने के लिए मिलने वाला है। और ऊपर अगर विंडशील्ड की तरफ चले तो यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको नहीं मिलेंगे, मैनुअल वाइपर्स मिलते हैं। और ये हैं इसके ORVMs और यहाँ पे इसकी बैजिंग एम स्टाइल इन TGDI पेट्रोल इंजन की। यहाँ पे कुछ एंटीना आता है लेकिन इस मॉडल में वो अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे अगर टायर साइज की बात करें तो 16 इंचेस के आपको स्टील व्हील मिलते हैं विथ इंडिपेंडेंट डबल विशबोन कॉयल स्प्रिंग एंड स्टेबिलाइजर बार के साथ सस्पेंशन। और फ्रंट से कुछ ऐसा आपको एक ओवरऑल लुक देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी ड्राइवर साइड से भी एक बार व्यू दिखा देते हैं, कुछ ऐसा आपको एक व्यू देखने के लिए मिलेगा महिंद्रा थार बेस मॉडल का। इससे ऊपर वाले वेरियंट्स में जो टॉप मॉडल्स आते हैं उसमें आपको अलॉय व्हील्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। ऑफ रोडिंग में स्टील व्हील काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाकी कुछ ऐसा एक ओवर व्यू देखने के लिए मिलने वाला है। और चलते हैं बोनेट की तरफ। और इन्हें हिंजेस को आप पुल करके पहले आपको दोनों तरफ से ये हटाने पड़ेंगे, फिर अंदर से खोलना पड़ेगा तब जाके खोलेंगे। सिर्फ इनको ही हटा के आप अपना हुड ओपन नहीं कर सकते हैं। जैसे इनको हटा के आप चाहें तो ओपन कर लें, ये सिर्फ एक शो के लिए है, जैसे कि रेंगलर वगैरह में जो आती हैं उनके लिए। बाकी कुछ ऐसा एक लुक देखने के लिए मिलने वाला है। और इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें एम स्टैलियन TGDI पेट्रोल इंजन आता है जो कि प्रोड्यूस करेगा 150 BHP एंड 300 Nm टॉर्क, 6 स्पीड MT एंड AT यानी मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको अवेलेबल हो जाती है ये। इसमें डीजल का भी ऑप्शन आता है, आप चाहें तो डीजल भी ले सकते हैं। और अब बात कर लें कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो ABS, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, 2 एयरबैग्स आते हैं, सीट बेल्ट वार्निंग, साइड एंड इंपैक्ट बीम्स, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, EBD, स्पीड अलर्ट सिस्टम, और ISOFIX चाइल्ड सीट्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट, जैसे सारे ही सेफ्टी फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे महिंद्रा थार में। और जो इसकी प्राइसिंग वगैरह होगी वो आपको डिस्प्ले में कहीं पे भी शो हो जाएगी। और ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, जहां जीप रैंगल को 1 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली थी 5 में से। और यहां पे अगर इसके फुटस्टेप की बात करें जो कि कुछ ऐसा मिलता है जो कि नॉर्मल लगता है, ऐसा लगता है जैसे आफ्टर मार्केट लगवाया है, लेकिन इसके ऊपर वाले मॉडल्स में आपको एक प्रॉपर फुटस्टेप मिलता है। यहाँ पर आपको कोई भी की होल वगैरह नहीं मिलता है। बाकी पीछे के वाले व्हील्स आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगी, MLD का फंक्शन भी मिलता है इसमें यानी मैकेनिकल लॉक डिफरेंशियल। और ये इसका फ्यूल टैंक जो कि आपको मिलेगा 57 लीटर्स का, जो कि आपको की से खोलना पड़ेगा। और पीछे से कुछ ऐसा लुक आपको देखने के लिए मिलता है कन्वर्टेबल महिंद्रा थार का। यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स मिलेगी थार की बैजिंग के साथ, और नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और डोर पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे इसमें। और नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें 219 mm यानी 219 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बाकी आप अगर बात करें इसके टॉप मॉडल्स की तो उसकी वीडियो मैं बना चुका हूं, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और कुछ ऐसा दिखता है इसका रियर डोर जो कि कुछ इतना खुलता है, अंदर से कुछ ऐसा दिखेगा। और 50-50 सीट फोल्डिंग ऑप्शन मिलेगा, ये सॉफ्ट टॉप है जो कि आप साइड से दोनों तरफ चेन्स लगी हुई हैं जिनके प्रोविजन आप उसे यहाँ से खोल के अपना सॉफ्ट टॉप पूरी तरीके से हटा सकते हैं, फ्रंट से भी हटा सकते हैं। और कुछ इस तरीके से जैसे कुछ सामान वामान रखना हो तो पीछे से आप इसके इसे यूज़ कर सकते हैं। और पीछे से कुछ ऐसा लुक लगता है
महिंद्रा थार बेस मॉडल का सॉफ्ट टॉप में आप चाहें तो आफ्टर मार्केट आजकल वैसे भी हार्ड टॉप लोग बाहर से भी इंस्टॉल करवा लेते हैं, जिसकी प्राइसिंग बाहर से आपको पता चल जाएगी। 4x4 बेस मॉडल से स्टार्ट हो जाता है। बाकी कुछ ऐसा दिखता है ड्राइवर साइड का आपका डोर, जो कि फुल्ली ब्लैक कलर में है। आप इन दोनों साइड के डोर्स को हटा भी सकते हैं प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए। यहाँ पे थार की बैजिंग मिलती है, लॉक अनलॉक के बटन आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आपको अपर मॉडल्स में वहाँ पे आपको और विंस कंट्रोल्स मिलेंगे। बाकी कुछ ऐसी सीट्स दिखती हैं, ड्राइवर सीट आपकी हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है, हाइट एंड डिक्लाइन एंड आगे पीछे आप ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। सीट को पहले पूरी पीछे कर देते हैं और कुछ ऐसी दिखती है। इतना स्पेस मिलेगा आपको लेग रूम में पूरी सीट पीछे करने के बाद। और यही कुछ इसका ड्रेस। और चलते हैं आप कार के अंदर। और कुछ ऐसा दिखता है आपका स्टीयरिंग व्हील, जिसपे अभी आपको कोई भी कंट्रोल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसा इसमें स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा, सिंपल स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इसके अपर मॉडल्स में आपके दोनों तरफ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो कार को अब ऑन कर लेते हैं, जो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। और कुछ ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और बीच में आपको मोनोक्रोम की MID भी मिल जाती है। लेफ्ट साइड में आपका RP मीटर है, राइट साइड में आपका स्पीडोमीटर मिलेगा और बाकी सारे अलार्म्स के साइंस मिलेंगे। और यहाँ से आप अपना MID कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके यहाँ पे जो बटन आते हैं वो ना देकर वहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें आपके काफ़ी सारे कंट्रोल दिखाएगा। स्पीड यहाँ पे दिखाएगा डिजिटली आपकी, और 4x4 की टायर पोजिशनिंग भी दिखाएगा। और सेटिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं, ट्रिप A, ट्रिप B, फ्यूल इकोनॉमी, टाइम, सारे फीचर्स यहाँ पे आपका दिखाता रहेगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। एवरेज वगैरह सारी शो करेगा आपके MID डिस्प्ले पे, जो कि आप यहाँ से अपने MID को कंट्रोल कर सकते हैं। और हेडलाइट लेवलर आपका साइड में मिलता है, स्पीकर वगैरह के आपके प्रोविजन मिलेगा, बट स्पीकर इसमें नहीं आते। बाकी कुछ ऐसा ड्राइवर साइड से व्यू आपको देखने के लिए मिलने वाला है। डैशबोर्ड कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम आप एक्सेसरीज में लगवा सकते हैं, क्योंकि बेस मॉडल में कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। AC वेंट्स आपको कुछ ऐसे मिलेंगे ब्लैक पियानो फिनिश के साथ। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे AC कंट्रोल्स दिखेंगे, जहाँ से आप अपने यहाँ से ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक की तरह लगते हैं, मतलब देखने में प्रीमियम लगेंगे, बट ये है मैनुअल। AC के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे नीचे, यहाँ से आप अपना सारे AC की फैन की जो सेटिंग्स होती है वो कर सकते हैं। नीचे आपके हजार्ड लैम्प के बटन्स भी दिए जाएंगे, वो मतलब मिलते हैं आपको कुछ यहाँ पे। और ये इसका 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ, जो कि कुछ इस तरीके से रिवर्स आपका यहाँ से कुछ इस तरीके से उठा के लगता है। और वहीं साइड पे मिल जाता है आपको 4x4 या फिर 2 व्हील ड्राइव, और उनके ऑप्शंस के लिए गियर नॉब, जिसे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको किस व्हील्स पे चलानी है, यानी रियर व्हील या फिर 4x4। और यहाँ पे आपका मिल जाता है पावर विंडो कंट्रोल्स फ्रंट पैसेंजर एंड ड्राइवर साइड के लिए, कुछ इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे आप इन्हें, जिसके कि आपको सेंटर में मिलते हैं, ड्राइवर साइड डोर पे नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे इसके हिंजेस दिए हुए हैं, जिन्हें आप हिंज को हटा के आप अपना सॉफ्ट टॉप ओपन कर सकते हैं। और यह आसानी से नहीं होते, इनमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से करें। बाकी टेस्ट ड्राइव वगैरह तो आप ले ही सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको IRBM मिल जाता है, वैनिटी साइड में मिरर मिल जाएगा पैसेंजर साइड में, और ऊपर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। ऊपर आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि ये अच्छी बात है कि बेस मॉडल में भी LED है, अदरवाइज तो येलो बल्ब्स मिलते हैं। बाकी ये सॉफ्ट टच आपको मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी स्पीकर वगैरह के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जैसे कि टॉप मॉडल्स मिलते हैं। इसमें सिर्फ दो ऑप्शन मिलेंगे, जो है आगे, और ये है ग्लव बॉक्स, जो कि स्पीकर्स आप आफ्टर मार्केट या फिर एक्सेसरीज के तौर पर लगवा सकते हैं। ये एक प्लेट दी हुई है महिंद्रा के तहत थार की तरफ से। नीचे आपको यहाँ पे 12V का पावर सॉकेट मिल जाता है, और थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाती है आपके फ़ोन या फिर स्लिप या फिर कॉइन वगैरह कुछ भी रखने के लिए। दो ग्लास होल्डर्स दिए हुए हैं, और हैंड ब्रेक है, और थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है। और कुछ ऐसे यहाँ पे ऑफ कर लेते हैं पहले कार को, और चलते हैं अब कार के बाहर। और चलते हैं उसके रियर सीट्स की तरफ, वहाँ आप कैसे जा सकते हैं वो आपको बताते हैं। रियर सीट्स में जाने के लिए आपको पैसेंजर साइड डोर की तरफ आना पड़ेगा, जो कि ये सीट्स है। यहाँ से आप इसे पुल करके ये सीट्स सीट पूरी ही आगे हो जाती है, जिसे आप पूरी तरीके से आगे कर सकते हैं, जो कि आगे होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से और इतना स्पेस मिल जाता है। और पीछे की सीट्स आपको कुछ ऐसे मिलेंगी, पीछे स्पेस आपको कुछ इतना मिलेगा। सो चलते हैं पीछे, और क्या स्पेस मिलता है वो आपको बताते हैं। और ये सीट्स यहाँ पे
होल्ड है तो इसे अनफोल्ड कर लेते हैं। सो दोनों सीट मैंने पूरी तरीके से फिक्स कर लिए हैं, और कुछ इतना स्पेस मिलता है तो उस तरफ चलते हैं। और जो ड्राइवर साइड थी वो पूरी पीछे थी, तो उसके बाद आपको कितना स्पेस मिलता है वो आप देख लीजिए। नीज तो आपकी टच नहीं होंगी, लेकिन जो आपकी जो बैक की जो पोजिशनिंग है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट है, तो इसमें शायद लॉन्ग ड्राइव्स आपके लिए कंफर्टेबल ना हो। बाकी आप लोग देख सकते हैं नियरेस्ट महिंद्रा डीलरशिप में जाके। तो अब चलते हैं कार के बाहर और वीडियो कर लेते हैं यहीं पर एंड। सो कैसे लगे आपको वीडियो यहाँ तक, अगर आप आ गए हैं, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर लें। और बाकी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो डिस्प्ले पे मेंशन हो रहा होगा, बाकी मैं नीचे आपको लिंक भी दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी सारी अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है संतोष, और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।